नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र अंतर्गत वैशाली नगर तथा कुर्सीपार क्षेत्र में बीपीओ खुलने जा रहा है। बीपीओ खुलने से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और युवक युवतियों को रोजगार मिलेगा। बीपीओ खोलने के लिए स्थल का चयन कर लिया गया है तथा इस पर शीघ्रता से कार्य किया जा रहा है। वहीं अब शहरवासियों को एक अद्भुत नज़ारा देखने को मिलेगा। भिलाई शहर में तारा मंडल का निर्माण किया जा रहा है। तारा मंडल के लिए प्लेटफॉर्म बनकर तैयार हो चुका है, केवल स्ट्रक्चर लगाने की देरी है। फिर लोगों को तारा मंडल के जरिए अंतरिक्ष से जुड़ने का मौका मिलेगा। महापौर नीरज पाल एवं नगर निगम आयुक्त रोहित व्यास ने निर्माण कार्य का जायजा लिया और शीघ्र ही कार्य पूर्ण करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। स्कूल जतन योजना के तहत भिलाई में स्कूलों की मरम्मत एवं संधारण के कार्य की जानकारी स्कूल निरीक्षण के दौरान महापौर नीरज पाल एवं निगम आयुक्त ने संयुक्त रूप से ली। इस दौरान स्कूलों में मरम्मत तथा संधारण के कार्यों को गुणवत्तापूर्ण तथा शीघ्रता के साथ करने के लिए निर्देश अधिकारियों को दिए तथा स्कूलों में विद्यार्थियों के अनुकूल माहौल के लिए तथा पढ़ाई के लिए अच्छा वातावरण बनाने के लिए आवश्यक व्यवस्थाओं के साथ ही कमरों में पर्याप्त रोशनी रखने को कहा गया। निरीक्षण की जानकारी नगर निगम के जनसंपर्क अधिकारी पीसी सारवा ने दी। देखिए, भिलाई में एक तारा मंडल बन रहा है और तारा मंडल जो है वो अभी लगभग 15 दिन के भीतर में तारा मंडल तैयार करने का प्रयास जो है वो किया जा रहा है। माननीय महापौर जी और आयुक्त महोदय ने संयुक्त रूप से इसका निरीक्षण किया है और अधिकारियों को इसके निर्देश दिए हैं। प्लेटफॉर्म जो है तारा मंडल को लेकर तैयार हो चुका है, जो स्ट्रक्चर लगाना है वो बाकी है। स्ट्रक्चर की तैयारी की जा रही है और शीघ्र स्ट्रक्चर लग जाएगा तो लोगों को जो है अद्भुत नज़ारा तारा मंडल के माध्यम से मिल पाएगा और जो नक्षत्र अंतरिक्ष है इससे लोग जुड़ पाएंगे। इसके अलावा जो है अभी स्कूल जतन योजना के तहत विभिन्न स्कूल जो है उनका मरम्मत एवं संधारण कार्य किया जा रहा है, जो कि लगभग बहुत सारे कार्य पूर्ण हो इसके परिप्रेक्ष्य में हो चुके हैं। इसका निरीक्षण जो है माननीय आयुक्त महोदय और महापौर जी ने किया है। इसमें निर्देश ये मिले हैं कि जो स्कूलों में व्यवस्थाएं होनी चाहिए वो सुनिश्चित हों, जैसे कि लाइटिंग की व्यवस्था होती है, पंखा की व्यवस्था होती है, ये व्यवस्थाओं को भी और सिपेज ना हो इसको लेकर के जो है संयुक्त रूप से निरीक्षण निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा जो जल भराव वाले क्षेत्र है, डुबान क्षेत्र, वो उनको निरीक्षण किए गए हैं। नालों की सफाई की जानकारी फील्ड में जाकर संयुक्त रूप से ली गई है और अधिकारियों को ये निर्देश दिए गए कि फील्ड में हमेशा जो जल भराव को देखते हुए मुस्तैद रहें। जल भराव वाले क्षेत्रों का निरीक्षण भी महापौर एवं आयुक्त ने किया तथा नालों की सफाई की स्थिति देखी। जल भराव एवं डुबान क्षेत्रों में विशेष अलर्ट रहने के निर्देश अधिकारियों को मौके पर दिए। संयुक्त दौरों में आज सी मार्ट एवं मदर्स मार्केट का निरीक्षण भी किया गया। ग्रैंड न्यूज़ के लिए कैमरामैन खेमराज निषाद के साथ संजय दुबे।